ये चकवाल मोड़ है, ये सड़क चकवाल की तरफ जा रही है, ये सीधी रावलपिंडी की तरफ, और वो दूसरी तरफ गोरी रोड है। चलो मैं आपको गोरी के टम के ऊपर लिए चलता हूँ। ये व्यूअर गोरी रोड है, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है मकबरा शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, यहाँ से 11 किलोमीटर इसका फासला है। अभी चलते हैं गोरी के मकबरे के ऊपर। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ज़ेर तमीर गोरी इस्लामिक अकेडमी लील बनात, मरकज़ सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। यह है गोरी का मकबरा। इसने पृथ्वीराज चौहान जो हिंदू राजा था उसको शिकस्त दी थी। ये गांव कोट दीमक है, यहाँ पर सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का मकबरा वाक़या है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मकबरा बना हुआ है। तहसील सोहावा जिला जेलम। ये हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम हुक्मरान था। तो व्यूअर्स, हम गोरी के मकबरे के ऊपर पहुंच चुके हैं। यह है मेन एंट्रेंस। मेरे अजीजों का अरब, अस्सलाम वालेकुम। लिटम बाप शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की पिक्चर इधर लगाई है उन्होंने, और ये गोरी मजार इधर खड़ा किया हुआ है। इसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है, IRBM गोरी रेंज 1500 किलोमीटर, सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ऑन मंडे 6 अप्रैल 1998। ये फ़ख्र पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की इधर पिक्चर लगाई गई है। ये मकबरा डॉक्टर कदीर ख़ान ने बनवाया था। व्यूअर, जो लोग अभी नए हैं वो मेरे चैनल को ब्लॉग को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, फॉलो करें और शेयर करें। दी टम बाप गोरी। दी टम बाप गोरी। यहाँ पे एक तहरीर भी बिल्कुल वाज़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मोइज़ुद्दीन इब्ने साम जो नौजवानी में शहाबुद्दीन कहलाते थे और बाद में सुल्तान मोहम्मद गोरी के नाम से मशहूर हुए, इधर पूरी तहरीर इन्होंने लिखी हुई है। ये दोनों तरफ 12 तरियाँ बनाई गई हैं। दी टम बाप शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। म
माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मकबरा बनाया गया है। बीटम बाग मोहम्मद गोरी। इस मकबरे के चार दरवाजे हैं, आप किसी भी दरवाजे से अंदर दाखिल हो सकते हैं। मैं व्यूवर स्पेशल 80 किलोमीटर सफ़र करके इस मकबरे के ऊपर आया हूं। ये देख लें, पीछे पार्किंग वगैरह बनी हुई है और खाने पीने का वसी इंतज़ाम इधर किया गया है, यानी कि कंटीन वगैरह भी इधर बनी हुई है। ये हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम हुक्मरान था, इसने हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद रखी थी। द टम्ब ऑफ मोहम्मद गोरी। अभी मैं आपको इस मकबरे के अंदर लिए चलता हूँ। यहाँ पर इंग्लिश में कुछ तहरीर लिखी गई है, द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट द मोस्ट मर्सीफुल। ये मज़ार पाक का अंदर का व्यू है, ये आप देख लें। जय शहादत सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, शहादत मुल्क के बहरोबर मोजुद्दीन। बहरोबर के बादशाह मोजुद्दीन की शहादत दुनिया के गाज से अब तक इन जैसा बादशाह कोई नहीं होगा। शब्बान की तीसरी तारीख 602 हिजरी को गजनी जाते हुए दमिश्क के मकाम पर शहीद हुए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मज़ार पाक अंदर से बना हुआ है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, यह आपकी कब्र मुबारक है। आखिरी रामगा सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी रहमतुल्लाह अलैह फातह हिंद, शहादत 15 मार्च 1206 बामुकाम दमिश्क। मकबरा शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, मकबरा शहाबुद्दीन गोरी, सुहावा, तहसील सुहावा, जिला झेलम। ये कोट दीमक का मकाम है, यहाँ पे आप शहीद हुए थे। तो व्यूवर, ये हमारा आज का व्लॉग था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मकबरा शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, तहसील सुहावा, ज़िला झेलम, गांव कोट दीमक। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मकबरा बना हुआ है।